सरकारी परेशान है, सरकार ने थोड़ी क्या क्या पानी यहाँ पर आ जाए। ये तो पीछे छोड़ा गया जब दिल्ली में आया पानी, हमारी दिल्ली वाले सारे परेशान है। पिकनिक स्पॉट बना दिया यहाँ पे, हालांकि ये बहुत बड़ी त्रासदी है। तुम लोग को डर नहीं लग रहा बीमार पड़ जाओगे? मजा आ रहा है देश में डर को। सर इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? किसी को नहीं, ये तो कुदरती है। कुदरती है इसीलिए यहीं पे थोड़ा बहुत सही है जो भी है, पर हम लोग बिहार से आए हैं, समस्तीपुर से के रहने वाले हैं, देखने आए थोड़ा बहुत। इधर रोकना चाहिए, पुलिस कर्मी एक भी नहीं है, ये लापरवाही हमारी पुलिस की भी है। जो सरकारी सिस्टम है ना, राजनीति का शिकार हो गई है, लाचार ये हो गई। दिल्ली वाले कहते केंद्र देखेंगे, और केंद्र देखें और पीस कौन रहा इसमें? बिल्कुल जनता पीस, जनता पीस रही है, मानवता मारी जा रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल किले के पीछे वाले रोड पे जो कि राजघाट की ओर जाता है, और इस रोड पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हालांकि बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और पानी भी जो है आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वो पानी लगा हुआ है सड़कों पर, और इसमें बच्चे आप देख पा रहे होंगे, बच्चे महिलाएँ और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस बाढ़ को का मज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर आपदा को अवसर बनाने का अगर एक एग्जांपल देखा जाए, उदाहरण देखा जाए, तो आप देख सकते हैं इधर कैसे जो ऑटो की धुलाई चल रही है इस बाढ़ के पानी में, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो देखने आए हैं, बाढ़ को देखने आए हैं, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी सालों बाद बाढ़ आया तो दूर दूर से लोग देखने भी आ रहे हैं। कई सारी कहानियाँ यहाँ पर चल रही है एक साथ, इनसे बात करेंगे, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनसे बात करेंगे, और इनके साथ ये भी जानेंगे कि क्या कुछ इन कहानियों के साथ मजबूरियाँ क्या आ रही हैं, तकलीफ़ें क्या आ रही हैं। सर क्या मजबूरियाँ, क्या तकलीफ़ें आ रही हैं इस बाढ़ को लेकर? मेरा नाम बाबूलाल भागवत। हाँ। और हम तकलीफ बाढ़ नहीं आए। हाँ। हमारी एक NGO है सहयोगी समाधान, हमने आपके चैनलों से देखा लोग परेशान है कैंप में। हाँ। अभी हमसे जो भी खाना हमसे बना वो बाढ़ का है। और देखो दिल्ली के लोग अवसर बाढ़ से नहीं घबरा रहे, मजे ले रहे हैं लोग हैं, लेकिन पानी देखा जाए तो बहुत गंदा है, इससे इन्फेक्शन होगा, बच्चे जो ऐसे तैर रहे हैं बीमारियों का खतरा है, गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। तो प्रशासन देखे ना, प्रशासन देखते ना। हाँ देखिए, अभी हम कैंप में गए, कैंप में वहाँ अच्छा काम हो रहा, धुआं छिड़की जा रही है, सब कुछ हो रहा, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन 2 दिन में काम करा, ये भी अच्छी बात है। बाकी हमारे अध्यक्ष जी हैं NGO से, अभी हम देखो एक समस्या ऐसी होती है, कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं बहन बेटी होगी जो हमसे कैन शेयर नहीं कर पाती, देखो खाना भी मिल जाता सरकार से, बाकी प्रधान जी हमारे से। जो ये आपदा आई है अभी, ये किसी सरकार की कमी के कारण आई है या फिर भगवान की आपदा जो भी है कह लो, लेकिन हाँ कहने में सरकार की कुछ न कुछ कुताही हुई है। जो आपदा आई है वो प्राकृतिक बात है, लेकिन राज्य की सुरक्षा और जनता का जो देखभाल करने का काम है वो तो सरकार ही करेगी ना? करेगी, बिल्कुल करेगी सरकार की, बिल्कुल यहाँ पे कोताही है, उनको ध्यान देना चाहिए। अगर नदी नाले की सफाई हो जाती तो इतनी आपदा नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं सुविधा करनी चाहिए सरकार को, बिल्कुल। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कुछ करेंगे, क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है इस पानी को लेकर? मैडम पानी की वजह से परेशानी तो है ही थोड़ी बहुत, वही है कि ये निकल जाएगा, सरकार कर रही है काम को। क्या काम कर रही है? कई जगह काम करा, कई जगह पानी निकलवाया है, अब यहाँ का नंबर आएगा यहाँ का भी निकलेगा, सरकार लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। सरकार काम कर रही है अपना। कहाँ कहाँ का निकलवा दिए जरा बताइए? अभी इधर हनुमान मंदिर के पास हम देखते हुए वहाँ भी निकालना है पानी, और ये तो कश्मीरी गेट पे पानी निकाला है। और सरकार, लोग जनता कह रहे हैं कि जब बाढ़ आया है तो सरकार ने पीने का पानी सप्लाई जो होता है वो बंद कर दिया है। मैम वो तो बात, वो भी परेशान है, सरकारी परेशान है, सरकार ने थोड़ी क्या क्या पानी यहाँ पर आ जाए, ये तो पीछे छोड़ा गया जब दिल्ली में आया पानी, हमारी दिल्ली वाले सारे परेशान है। अब ये सरकार को पहले सोचना चाहिए ना कि ये जो पहले तो पता था कि यमुना का जलस्तर बढ़ेगा, तो मैं पता हो कोई चीज़ होने वाली है उसको कैसे करेंगे, है कि नहीं? अब बारिश आई है, बारिश को कौन रोक सकता है, सही बात है, ये तो आपदा है, कुछ भी हो सकता है, आदमी पता थोड़ी है क्या हो क्या नहीं। आपदा के लिए प्रबंधन कौन करता है? सरकार ही करेगी ना? सरकार कर तो रही है, कर रही है सरकार।
जाता है सरकार को ना, बिल्कुल लापरवाही है सरकार की। पहले से उनको पता आपदा बारिश से प्राकृतिक है, तो मालूम के लिए पहले से ही हमें तैयार रहना पड़ता है। सरकार का ये नियम, सरकार जो सरकारी सिस्टम है ना, राजनीति का शिकार हो गई है, लाचार ये हो गई। दिल्ली वाले कहते केंद्र देखेंगे, और केंद्र देखें और पिस कौन रहा है इसमें? बिल्कुल जनता पिस, जनता पिस रही है, मानवता मारी जा रही है, जिम्मेदारी दोनों के आउट है। परेशान कौन है? वो लोग परेशान जो रोजीना कमाते हैं, परेशान वो लोग हैं जिनकी फसलें खराब हो गई, परेशान वो लोग हैं। नेता लोग कोई परेशान नहीं है। आज कोई सस्पेंड हो तो छोटा कर्मचारी सस्पेंड हो। राजनीति में क्या, एक दूसरे की रोटी सेकते हैं, वो उस पर ब्लेम डालते, वो उस पर इल्ज़ाम लगाते, तो ऐसा नहीं होता। इल्ज़ामों की झड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर, बट जनता का कौन देखेगा? असली गुनहगार कौन है? गुनहगार तो इसमें सरकार की यहाँ कोताही है कि उन्होंने सुविधा पहले करनी चाहिए थी। जैसे कि जो कमियाँ रही हैं उसको पहले से, जैसे कि कोरोना काल में भी बहुत सी कमियाँ रही है, पहले से तैयार रहना पड़ता है। तो यहाँ सरकार की कमियाँ हैं और जनता इसमें निराश है। चीज़ें भले ही इंजॉय कर रहे हैं, माना इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तकलीफ में भी इंजॉय करना जरूरी है, यही जीने का तरीका, बट इस इन्फेक्शन फैलता है, बीमारियां फैलती हैं, तो बहुत सी हैं गलतियां। सरकार जिम्मेदारी उठानी चाहिए सरकार को। साफ तौर पर कहना यही है कि अगर गंदे पानी में बच्चे नहा रहे हैं और इस तरीके से तैर रहे हैं तो बीमारियाँ फैलेगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी या कौन होगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे सर। हाँ, ये गंद पानी में जो बच्चे को तैरने देता है तो इनकी गार्जियन की गलती है ये। हाँ, उनको रोकना चाहिए कि ये गंद पानी में ना आए। सरकार को भी तो रोकना चाहिए कि यहाँ गंदगी पानी है तो लोग ना आए। तो हमारे पुलिसकर्मी है, वो तो हमारे पुलिसकर्मी देखे। पुलिसकर्मी कहाँ, एक भी तो नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे। उधर है ना, उधर तो सरा तैनात है, इधर इधर नहीं कोई रुकावट के लिए कोई नहीं है। इधर इधर रोकना चाहिए, इधर रोकना चाहिए। पुलिसकर्मी एक भी नहीं है, ये लापरवाही हमारी पुलिस की भी है। हाँ, आप बोल रहे थे। जिम्मेदारी सबकी भी है। हाँ, सरकार की भी है, समाज की भी है, हमारी अपनी भी है। मैंने बताया ना, हम लोग महादीपुर से बड़ी दूर से आए कि हम छोटी सी एनजीओ है, खाना ले के आए। खाना बड़ी बात नहीं है, सरकार भी देगी। एक टी से ये लोग को रोके, सारे काम सरकार के संस्कार के भी होने चाहिए। तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है? इतना गंदा पानी है, तुम लोगों को डर नहीं लग रहा बीमार पड़ जाओगे? मजा आ रहा है हमें देश में। डर कैसा? देश में डर कैसा? तो ये पानी है, पानी में बच्चे जो है वो बेफिक्र होकर नहा रहे हैं, इनको कोई डर नहीं है। मैम, आप जो है वीडियो बना रही हैं, आप आपको समझ आ रहा है कि नहीं? आप समझ गलत तो है, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये नहा रहे हैं, इसमें गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं। उनके पेरेंट्स को मना करना चाहिए, बल्कि कि ये गंदे पानी में आप लोग पिकनिक स्पॉट बना दिया यहाँ पे। हालांकि ये बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे देश के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, सबके लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने ये जो कर रहे हैं, ये इनके पेरेंट्स को मना करना चाहिए। मेन तो पिकनिक स्पॉट नहीं है यहाँ पे। ये जो बाढ़ आया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो अभी परेशानियों का सामना करना, जिम्मेदार तो कोई भी नहीं है। कौन है जिम्मेदार? कुदरत, ये तो कुदरत। सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार कैसे जिम्मेदार? अगर कोई आपदा आती है तो उसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, चाहे वो कोई भी सरकार। लेकिन देख रेख करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है ना? लेकिन ये पानी कोई वो डब्बे से तो निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे ना, वो तो अपने आप। सरकार को रास्ता ढूंढना चाहिए। पता था कि यमुना का जल स्तर भराव बढ़ने वाला है, तो सरकार को रास्ता ढूंढना चाहिए ना पानी निकालने का। ये हर साल का है, ये हमेशा का है, ये सब ये हमेशा हर साल होता है ये तो। लेकिन रास्ते कहाँ ढूंढे जाते हैं? कभी ढूंढे हैं, गए हैं? ये हमेशा होता है, ऐसे ही होता भी चलेगा आगे भी। आज ये आइए कह रहे हैं कि 1978 में आई थी ये, उसके बाद आ जाइए 40 साल बाद, है ना। लेकिन हमने तो देखा नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दिल्ली में। तो पहली बार बाढ़ आया है तो पूरा एंजॉय करेंगे। हम तो निकल रहे थे यहाँ से, तो हमने भीड़ देख के, लेकिन ये गलत है, जो भी है ऐसा नहीं होना चाहिए। आप घूमने आई हैं या जा रहे हैं? हम लोग तो जा रहे थे, तब हमने भीड़ देखी तो हम रुके। हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम तो आ रहे हैं, हम तो गाजियाबाद से आ रहे हैं बल्कि। सर, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? किसी को नहीं, ये तो कुदरती है। कुदरती है, सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके कोई लिए? नहीं, कोई नहीं है। ना उसको पानी नहीं, यातायात बाधित हो रहा है, लगातार लंबे लंबे ट्रैफिक हो रहे हैं। उसके पीछे कुदरती है, तो कुदरत क्यों क्या करेगा, इसमें सरकार क्या करेगी? पीछे से कुल्लू मनाली में सरकार थी, वहाँ पहाड़ खिसके हैं, सब कुछ हुआ है, बाढ़ है,
क्या करेगी कुल्लू मनाली के अंदर, ये बताइए ना सरकार क्या करेगी उसके अंदर। अब पीछे कुछ हो जाएगा, कोई बंदे को बीमारी है ये मर जाएगा, उसे क्या पता बीमारी थी क्या नहीं थी, तो कोई क्या करेगा, कुदरती है कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। सरकार को ये जल भराव जो है जल निकालने का कोई साधन तो ढूंढना चाहिए। कहाँ निकालेगी जल, जाएगी नाले, नाले जमुना के अंदर मिला रखे हैं, कहाँ निकालेगी वो। यमुना का पानी अब घट रहा है, जिम्मेदारी तो है ही, कहीं पे भी लोग सह सकता है, कहीं पे अगर पानी निकाल देंगे तो लोगों का वो होता ही है कि लोगों का वो संकट में आना तो जिंदगी है ही, कहीं पे निकाल देंगे तो। इसीलिए यहीं पे थोड़ा बहुत सही है जो भी है, पर हम लोग बिहार से आए हैं, समस्तीपुर से के रहने वाले हैं, देखने आए थोड़ा बहुत कि जल। बिहार में तो और भी बाढ़ आता है और खूब खूब समझे, बिहार में आते हैं समझे, पर बिहार में इतना नहीं आता, पर जो बिहार बह जाता है बाढ़ में। हाँ समझे, पर बिहार जो भी है बहुत सही है, बिहार दिल्ली से भी दिल्ली से बेहतर। हाँ बेहतर है, बहुत बेहतर है। हम परिवार के साथ रहते हैं और परिवार के साथ में ओसमोज करते रहते हैं, ओसमोज आराम से। ये पानी कहाँ से आए, बोलो पानी कहाँ से, बरसात हुई नहीं यहाँ पे इतनी, बरसात तो पानी आया कहाँ से, पानी छोड़ा गया ना, ये तो छोड़ा गया है, तो आगे इस पानी को तो निकाला नहीं जा रहा है, उत्तर प्रदेश में निकाला नहीं जा रहा है पानी, वहाँ से निकाला यहाँ से ब्लॉक कर दिया इन्होंने, है सिर्फ क्या केजरीवाल सरकार बदनाम करने में लगा है, हमारा इंडिया बस बर्बाद होने में लगा है, जो भी होगा इंडिया वाला मरेंगे कटेंगे, जो भी होगा सब होंगे। बर्बाद कौन कर रहा है, कर रहे हैं ना, कोई तो कर रहा होगा, पर कर रहे हैं कोई भी कर रहा है, ये पानी कहीं, ये कैसी बात हुई, बर्बाद हो रहे लेकिन पता ही नहीं है कौन बर्बाद, पता है पर हम बता नहीं, बताइए ना, नहीं न्यूज पे डर गए, डर डरना कोई बात नहीं है, न्यूज पे हम बता नहीं सकते जो क्यों, न्यूज न्यूज ही आपका, आपकी जो समस्या है वो न्यूज के माध्यम से ही जाता है ना। आपको एक बात बताए, अगर आपको न्यूज पे बुरा कहेंगे तो आप मानोगी, मानोगी, अगर हम बुरा होंगे तब आप कहेंगे ना, तो वही मतलब है ना कि कोई बुरा होगा तभी कह सकते हैं, अगर कोई भी पानी छोड़ दिया होगा, किसी भी मध्य से छोड़ दिया होगा पानी, पर कोई तो इसमें होगा ना, वो राज्य होगा ना, इसीलिए छोड़ा गया पानी, कोई भी छोड़ा होगा। अच्छा, कोई भी बस छोड़ा, तो साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जिम्मेदार है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ लोगों का कहना है कि पहली बार बाढ़ आया तो क्यों ना हम इसे इंजॉय कर लें और मस्ती में ही इसको, कहीं ना कहीं तो बाढ़ आना ही था, तो यहीं सही, यहीं आ गया और हम इसे इंजॉय कर टाइम निकाल लें अपना। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कैमरामैन बॉबी के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।